दोस्तों आपके ऑफिस में रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मीडियम यूज़ होता है रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिखित जानकारी के लिए कौन सा मीडियम यूज़ होता है व्हाट्सएप मैसेजेस लेटर्स या फिर ई मेरे ऑफिस में तो ई यूज होते हैं और हम सभी के ऑफिस में भी ई ही यूज होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम में से कितने ही लोगों को पता है ईमेल राइट राइटिंग के पर्टिकुलर राइट स्टेप्स आज का लेसन इसी बारे में है आज के लेसन में हम सीखेंगे फाइव स्टेप्स टू राइट अ ई मेल एक ब्रिलियंट ई लिखने के लिए ऐसे कौन से पांच स्टेप्स हैं राइट right ऑर्डर में जो हमें यूज करने चाहिए सो दैट वी शाइन ब्राइट एट वर्क सबसे पहले जानते हैं ऐसे कौन से पांच स्टेप्स हैं पहला स्टेप है सैल्यूटेशन सेल्यूटेशन मतलब किसी को सल्यूट करना एक तरीके की ग्रीटिंग्स होता है सच एज हेलो हाई एक्सेट्रा नेक्स्ट स्टेप है ओपनिंग सेंटेंस आपका पहला सेंटेंस क्या है जब भी आप ई लिखते हैं उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द ई इसका मतलब ई की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ पर है जहाँ पर सारे फंक्शन होते हैं हमारा टॉसो सिमिलरली एक ई का भी टॉसो बॉडी होती है जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉमेसन होती है उसके बाद आता है क्लोजिंग सेंटेंस ऑपोजिट ओपनिंग सेंटेंस का है क्लोजिंग सेंटेंस मतलब आखिरी सेंटेंस आपके ई का और उसके बाद आता है सिग्नेचर सिग्नेचर मतलब आपके फाइनल सिग्नेचर मतलब ऐसे वाले सिग्नेचर नहीं जो आप पेपर्स पर करते हैं आपका नाम जानते हैं हम कैसे इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं कौन कौन से फ्रेज़ेस यूज कर सकते हैं एक परफेक्ट ब्रिलियंट ईमेल लिखने के लिए उसके बाद मैं आपको एक ईमेल दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है आज के लेसन में सिमिलरली मैं चाहूंगा आप भी पेन एंड पेपर उठाएं और एक ई लिखें इन स्टेप्स के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप के साथ जो है सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन के लिए आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर लास्ट नेम मैंने बहुत बार देखा है लोग मुझे ईमेल लिखते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर रिदान अब आप बताइए रिदान मेरा फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है रिदान मेरा पहला नाम है फर्स्ट नेम है सो so, हम कहेंगे गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा बिकॉज दैट इज my फैमिली नेम हम मिस्टर के बाद हमेशा फैमिली नेम लास्ट नेम यूज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं हेलो मिज लास्ट नेम हम नहीं लिखते मिसेज़. अब आप कहेंगे बट श्रदान ये तो मिस हुआ इसकी प्रोनाउंसिएशन है मिज प्लीज रिपीट आफ्टर मी मिज जेड से ये वर्ड खत्म होता है और लेडीज के लिए फीमेल कॉलिग्स के लिए हम हमेशा मिसेज़ नहीं लिखते हमें ना ही मिस से मतलब है ना ही मिसेज़ से हमें मतलब है मिज से क्योंकि प्रोफेशनली लेडीज को पुकारा जाता है मिज एंड देन लास्ट नेम फॉर एग्जांपल मिज़ शर्मा नेक्स्ट वन इज डियर मिज लास्ट नेम आप डियर भी यूज कर सकते हैं अपने सैल्यूटेशन में या फिर आप कह सकते हैं मिस्टर लास्ट नेम अ वेरी गुड मॉर्निंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल है आजकल के सैल्यूटेशन में पहले आप नाम लिख देते हैं और फिर उसके बाद डालते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग या फिर आप कह सकते हैं हे फर्स्ट नेम ये थोड़ा कैजुअल हो जाएगा तो वर्क प्लेस में जो आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ऐसे लिख सकते हैं हे वृदान जस्ट ड्रॉपिंग बाय टू लेट एंड द दिल कंटिन्यूज तो ये थे कुछ फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं पहले स्टेप में जो है सैल्यूटेशन ई का देखते हैं हमारा अगला स्टेप जो है ओपनिंग सेंटेंस मतलब ईमेल का पहला सेंटेंस इस सेंटेंस के साथ आप बेसिकली सामने वाले को एक्नॉलेज करते हैं तो देखते हैं कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिन की शुरुआत वीक की शुरुआत बहुत बेहतरीन थी फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली लाइन आप यूज़ कर सकते हैं मंडे मॉर्निंग या फिर मंडे कभी भी क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट डे है मुझे उम्मीद है आपकी वीक की शुरुआत आपके हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रही या फिर आप कह सकते हैं आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन मुझे उम्मीद है मेरा ऐसा मानना है uh, कि आप ठीक हैं हेल्थ में मेंटली फिजिकली एवरीवेयर आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रॉलिक जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही रिदमिक फ्रेज है यहां पर फन एंड फ्रॉलिक इसका मतलब है हेल्थी होना तो so आप कह रहे हैं आई होप आप हेल्थी हैं आप फन एंड फ्रॉलिक हैं आई होप दिस ई मेल फाइन्स यू वेल मैं उम्मीद करता हूं जब आप ये ई मेल पढ़ रहे होंगे तब आप अच्छी हेल्थ में होंगे अच्छे माइंड सेट में होंगे रिलैक्सड होंगे एक्सेट्रा थर्ड स्टेप आता है बॉडी ऑफ द ई मेल जैसे कि हमने पहले बात करी थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ई मेल इज बॉडी ऑफ द ई मेल इसको आप चालू कर सकते हैं आई एम रीचिंग आउट अबाउट इसका बेसिकली मतलब हुआ मैं ये ई मेल लिख रहा हूं आपको क्योंकि उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पर रीज़न कुछ भी रीज़न हो सकता है छुट्टी का कुछ इन्फॉर्म करने का प्रेजेंटेशन का मीटिंग का एसेट्रा आई एम रीचिंग आउट अबाउट या फिर आप लिख सकते हैं आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट नाउ गेटिंग बैक एक इम्पॉर्टेंट uh, फ्रेज़ है यहाँ पर जिसका मतलब है आपने मुझे ई लिखा था तो मैं आपको दोबारा से ई लिख रहा हूँ उसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप मुझसे बात कर रहे थे सो आई एम गेटिंग बैक टू यू

फॉगोइंग डिस्कशन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जिसका मतलब है जो पहले हम डिस्कशन में बात कर रहे थे बीते हुए डिस्कशन में बात कर रहे थे ये ये ईमेल उसी के बारे में है इस ईमेल में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं तो ये थे कुछ फ्रेजेस बॉडी से रिलेटेड अब देखते हैं क्लोजिंग सेंटेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आप आखिर में यूज करते हैं सेंटेंसेस आखिरी सेंटेंस जो होता है ई का उसके बारे में I look forward to hearing from you। मैं उम्मीद करता हूं आपसे जल्द ही सुनने को मिलेगा कई बार लोग कहते हैं I look forward to hear from you। वो रॉन्ग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा दोस्तों तो याद रखें जब भी आप लिखें लुक फॉरवर्ड टू उसके बाद हमेशा ing एन जी लगाएं वर्ब के साथ आई लुक forward टू हियरिंग फ्रॉम यू सून लुकिंग forward टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ना यहां पर रुदान ने एक इंपॉर्टेंट वोकेबलरी डाली है हमारे लिए प्रॉम्प्ट का मतलब क्या क्या हुआ जल्द ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्द ही सुनने को मिलेगा क्योंकि कई बार लोग बहुत दिन लगा देते हैं ई सेंड करने में क्योंकि उन्हें बोरिंग लगते हैं ई मेल्स ई मेल एटिकेट हमें सिखाती है जिस वक्त आपको ई मिले विद इन फाइव मिनट्स आप उसका रिस्पॉन्स दें दैट इज कॉल्ड अगर आपकी पॉसिबिलिटी में है वो चीज़ तो सो दैट इज कॉल्ड गुड ई मेल आई आईड अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर मैं आपका आभारी रहूंगा अगर इस सब्जेक्ट के बारे में इस मैटर के बारे में इस टॉपिक के बारे में आप जल्द ही कोई डिसीजन ले सकें तो प्रॉम्प्ट मतलब जल्द सो प्रॉम्प्ट रिस्पांस एक जल्द रिस्पांस प्रॉम्प्ट एक्शन और अटेंशन मतलब अगर आप उस पर ध्यान दे सकें इमीडिएटली तो एंड फाइनली आप कह सकते हैं प्लीज एडवाइज एज नेसेसरी बहुत ही शॉर्ट फ्रेज है अगर आप क्विकली जल्दी जल्दी में हैं इन सबको छोड़कर आप लिख सकते हैं प्लीज मुझे सजेस्ट करें क्या ठीक रहेगा एजनेससरी जो भी अप्रोप्रिएट टाइम uh, है वक्त है सिचुएशन है उसको देखते हुए सो so, ये था हमारा फोर्थ स्टेप विच इज क्लोजिंग सेंटेंस बढ़ते हमारे आखिरी स्टेप की और जो है सिग्नेचर यह हमारी एंडिंग होती है ई मेल की करेक्ट या तो आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेज मतलब uh, मैं आपके लिए अच्छी विशेज सेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से योर सिंसियरली फॉर्मल फ्रेज है हैव अ प्लेजेंट डे अड I, मैं आई मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन आगे अच्छा होगा बेस्ट आप सिंपल बेस्ट भी लिख सकते हैं दैट मीन्स बेस्ट ऑफ एवरीथिंग या फिर आप कह सकते हैं चीयर्स बहुत ही कैजुअल है और बहुत ही फन एंड फ्रॉलिक है अच्छा फ्रेज है पॉजिटिव एनर्जी सेंड करता है सिंपल चेयर्स और या फिर फाइनली आप कह सकते हैं सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रहा हूं बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग तरीका है अपने ईमेल को एंड करने का सिग्नेचर से

So, ये ईमेल है लीव एप्लीकेशन के लिए किसकी शर्मा की मैं आपको ये ईमेल पढ़ता हूं डियर मिस्टर रॉय ये क्या हुआ ये हुआ सैल्यूटेशन आई होप यू हैड ग्रेट डे मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा हुआ ओपनिंग सेंटेंस फिर उसके बाद आता है आई याय वुड लाइक टू इंफॉर्म यू दैट ये क्या हुआ आपके ईमेल की बॉडी को स्टार्ट करने का सेंटेंस करेक्ट उसके बाद चालू होता है रीजन की आप क्या बताना चाहते हैं क्यों बताना चाहते हैं इसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ द ईमेल आखिर में आते हैं क्लोजिंग सेंटेंस की ओर आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमने लिखा था हियरिंग हियरिंग की जगह अब हमने लिख दिया रिसीविंग आई एन जी डाला वर्ड के साथ सो so ये हुआ क्लोजिंग सेंटेंस एंड फाइनली योर्स सेंसे के साथ हम सिग्नेचर यूज कर कर इस ईमेल को खत्म करते हैं तो दोस्तों यह था एक ईमेल मेल इंपॉर्टेंट ई जो श्रिदान ने लिखा अब मैं चाहूंगा कि आप अपना पेन और पेपर उठाएं और इसी तरीके से एक लीव एप्लीकेशन लिखें हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स नॉट रियल इमेजिनरी लीव एप्लीकेशन और मैच करें उससे इस स्ट्रक्चर से एक इंपॉर्टेंट टिप आप ध्यान रखें कि हमेशा आप इवन स्पेस दें अपने ईमेल्स में अपने ईमेल के एलिमेंट्स में जैसे आप देख सकते हैं जो स्पेस यहां पर दिया गया है वो हर जगह सेम है हर सेंटेंस के बाद हर एलिमेंट के बाद सैल्यूटेशन के बाद ओपनिंग बॉडी क्लोजिंग सेंटेंस सिग्नेचर में इक्वल स्पेस है कई बार मैं देखता हूं लोग यहां पर इतना बड़ा स्पेस दे देते हैं यहां पर अनइवन स्पेस रहता है स्ट्रक्चर बहुत गलत दिखता है इस चीज का ध्यान रखें तो दोस्तों आज के लेसन में हमने सीखे ऐसे इंपॉर्टेंट फाइव स्टेप्स जो आप यूज कर सकते हैं एक ब्रिलियंट ई लिखने के लिए मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा तब तक के लिए ध्यान रखें खुश रहें एंड सैल्यूटेशन